मामा को कॉपी नहीं कर पाते। वो ज्यादा अच्छा डांस करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ। भारती बहुत घबराहट हो रही है आज। क्या हुआ? मतलब नर्वस सिस्टम यहाँ से यहाँ ऐसे हो रहा है। पता आज कौन आने वाला है? कौन? अरे वो सलमान भाई आए थे ना। हाँ? फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हारा शो वो बंद कराएंगे। एक बार सनी देओल आया था, हैंडपंप तो उखाड़े खोरे। मैंने ऐसे ऐसे करके आधा पाकिस्तान बहरा कर गया। मेरा तो पता नहीं, लेकिन सनी देओल ये शो जरूर बंद कराएगा। हाँ मैं दिखाता हूँ। देख क्या कर रही है ये। अरे मैं तो नहीं कर रही हूँ। इनकी फिल्म का गाना लपक झपक, तो फिर आए तो लपके और झपके ना। अरे सर 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 प्लीज ये शो मत बंद करवाइए प्लीज। सर हम लोग हम मन से नहीं बोलते सर, ये राइटर लिख के देते हैं सर। मैंने नहीं। वांस अगेन लेकर आया, हमारा तो वांस भी ठीक से नहीं हुआ। क्यों बात कर रहे हो? कृष्णा उठ के बात कर रहे हो? कैसे उनको 2.5 किलो का हाथ रखा था मेरे ऊपर। अरे यस। हेलो ये तो बच्चन साहब की कॉपी करने लग गया। इन्होंने कहा ना जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता आदमी उठता नहीं, उठ जाता। मैं तो झुका नहीं, झुकी गया है। वैसे सनी जी आपको बोलूं, मैं पंजाब से हूं, अमृतसर की हाल तड़ा। मैं बढ़िया एकदम ठीक ठाक। और दसो कार सारे ठीक? सब ठीक। अब बाद में करना, हम आप पहले अपनी बातें करें। सर लेकिन आपको बोलूं, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की लड़कियाँ आपकी इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है। हर लड़की का एक ही सपना है, कहती हाय मैं ना मैं सन्नी पाजी से शादी करूंगी, मैं सन्नी पाजी से। सनी सर और आपने कमाल कमाल की फिल्में की, इतने अलग अलग रोल किए, कॉमेडी किया है, एक्शन किया है, ड्रामा किया है। घायल वंस अगेन सनी सर ने लिखी है और डायरेक्ट भी की है, मतलब सर क्या नहीं कर लेते? डांस। अरे नहीं नहीं, अरे ये मार्केट में सर मिथ है, फैला हुआ है, आपको पता है। मैं तो कहती सर डांस करो और सारी दुनिया को सच साबित कर दो। मैं दिल से कह रही हूँ सर, आज आपने साबित कर दिया सर, तो वाकई डांस नहीं आता। सर मैंने प्रोमो में देखा कि आपकी फिल्म की जो एक लड़की है उसने एक ऐप बनाया है, वर्चुअल ऐप, उसके बारे में मुझे बताइए ना सर, क्या है ना कृष्णा? नहीं इसको वर्चुअल के बारे में पहले बताइए सर, इसको इंग्लिश नहीं आती। बेटा तू बताइए आप क्या है? आपका नाम है प्रिटेंडिंग पेरेंट्स, तो बस है? बाकी सब मूवी में देख अच्छा, सकते मतलब हो। ऐप ऑन करो और प्रिटेंड करो आप उनसे बात करें। अच्छा नहीं भारती ने भी एक वर्चुअल ऐप मतलब वो किया था, मतलब कौन सा था वो? वर्चुअल बर्गर। वर्चुअल बर्गर, बर्गर मतलब जब भी वो ऐप ऑन कर। हाँ बर्गर सर, बर्गर। हाँ सर ओके। वो तो सर बर्गर होता है, ये बर्गर है, बर्गर। आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी सर? सनी सर बहुत ज्यादा स्वीट है। अबे क्या बता भैया, हमने थोड़ा चक्के देखे। स्वीट है कि नहीं? जरा आना सर इधर दे आओ थोड़ा। नहीं 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 नहीं, तुसी अपने आप नु फ्रिज ते ना दे, तुसी खट्टे हो। कितने सनी दी और खट्टे के लिए जोरदार तालियां। सर फिल्मों में आप हमेशा ओए बड़े गुस्से से चिल्लाते हैं, आज पहली बार डर के आप ओए कर रहे हैं। सर एक बार जरा कह दीजिए ओए, जल्दी शो शुरू करो। ओए जल्दी शुरू करो। क्या बात है। तो सबसे पहले भारती जी किसको बिठाया जाए? मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ यार, क्योंकि मैंने लिपस्टिक उनको लगा दी ना, मेरी कम हो गई सर। और मैं नहीं चाहती कि हमारे शो में फर्स्ट टाइम सनी देओल आए हैं और मैं फीके होठों के साथ जाऊं। लाल हो गया। सॉरी इधर आना, तो खराब हो गया। ना 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 ना
तैयारी शुरू कर। भारती तो अभी तक गई नहीं, क्या कर रही है भारती? मैं सच्ची बताऊं, भारती अगर बाल कटा ले तो बिल्कुल ऐसी लगेगी। सर हम शुरू करते हैं। सनी सर आप प्लीज वहां पे बैठ के इन लोगों की पेमेंट बढ़ाइए सर। जितने लोग सोफे पे बैठ सकते हैं बैठ जाओ, बाकी रोहन पे बैठ जाओ भैया। चलिए काम करते हैं, मतलब काफी कंजेस्टेड हो रहा है तो दोनों स्वीट लड़कियों को हम यहाँ पे बुला लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के साथ। सनी सर आप गदर में सकीना और जीते को लेकर इंडिया वापस आ गए, उसके बाद दी एंड हो गया था सर, उसके बाद क्या हुआ बताएंगे सर हमको? क्या हो क्या सकता है? नहीं मतलब जीते के बाद फीता पपीता, मतलब सिर्फ एक ही जीता था? मैं समझा नहीं। सर मैं आपको बता दूं कि सकीना और जीते दोनों पीछे खड़े हैं। अच्छा। और कुछ शिकायत लेकर आए हैं, तो सर अभी आप ही संभालिए उनको। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारती और करण का। चाना जी मुझे, मैं सक्कू नहीं, सक्कू भाई नहीं, सक्कू आपकी सकीना। अब्बा मैं बहुत नाराज हूँ, 15 साल पहले आप मुझे छोड़ के आ गए थे, मैं आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपको पता हमारा जीता बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन एक बात बोलूं, सिर्फ नाम का ही जीता है, सबसे हारता रहता है। और क्या, नहीं तो ये पहला बंदा कि अकेला टॉस भी करता है ना, उसमें भी हार जाता है। खैर ये कितने सालों बाद आए, और अब्बू मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, एक मिनट ये लीजिए, आप उनको बांट दो थोड़ा, आप भी लीजिए, बट आप अपने पेट से निकाल लो थोड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सनी देओल आए और मैं रू क्यों बांट रही हूँ। अरे मैं रू इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि बंदे की आवाज में कितना दम है। ओए एक बार ओए करते हैं ना तो 500 लोगों के कान। शकील जी आप थोड़ा ज्यादा रोई ले लो, प्लीज ले लो ले लो ले लो। पता क्यों? क्योंकि सनी जी की आवाज में बहुत दम है और बंदा बहुत कमजोर है, ओए से इनके कान ही इनकी जान जा सकती, बाद में नाक में लगाने के काम आएगी। खैर मैं कैसी बातें कर रही हूँ, सुनो जी आज भी आपका हाथ 2.5 किलो का है? नहीं नहीं मैं ऐसे पूछ रही थी क्योंकि मैं ना बाजार से आलू लेकर आई थी 2.5 किलो, मुझे तुलवाने थे, कहीं दुकानदार ने मुझे 2 किलो आलू तो नहीं दे दिए। यार मैं कितनी डफर हूँ, 15 साल बाद ये आए और मैं किसी आलू प्याज की बातें कर रही हूँ? आज तो सुहागरात की बातें होंगी। आदमी वो याद है बात जब घूंघट उठाने के बाद मैंने कहा था कि कोई हॉट हॉट बातें करो ना, और ये पहलवान बंदा कहते पंजा लड़ाए। मम्मी एक बात बताओ। हाँ? ये पापा 15-15 लोगों को एक साथ मिलके मारते थे ना। हाय बेटा तेरे को कैसे पता? क्योंकि उन्हीं 15 लोगों ने मुझे बाहर मारा है। तेरी हरकतों से बड़ी है, आप टीवी पे कहते थे ना अपना लक पहन के चलो, कहते थे ना। ये बच्चन साहब के शो पे गया था, बच्चन साहब ने ओ माशा क्या आपको लगता है कि आप लकी है? कहते सर लकी नहीं, हम अपना लक पहन के चलते हैं। कुछ भी बोले जा रही हो ना, कुछ भी बोले जा रही हो, फिर से बोल। कुछ भी बोले जा रही हो मम्मी। कहा था ना प्रेगनेंसी जब मेरे में है, आप मत चिल्लाओ, फटे गले वाला बच्चा पैदा हो गया। देखो मम्मी मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, और वैसे भी पापा की नई फिल्म आ रही है घायल वंश की। किसकी हिम्मत है जो सनी देओल को घायल कर दे? हाँ वैसे जी आपने पहली बार में सही पट्टी क्यों नहीं कराई, दोबारा घायल हो गए। मम्मी पापा के बारे में कुछ बताओ ना। बेटे तेरे पापा ना तेरे को बहुत प्यार करते थे, जब भी तू रोता था ना तेरे को गोद में पता कैसे उठाते थे, बेड समेत ही। अल्लाह ला 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 ला, मेरा बच्चा रो रहा है। अल्लाह ला, एक बार तो ऐसे किया तो पड़ोसियों के घर चला गया। इतने ताकतवर हैं? बहुत ताकतवर है, तुम्हें पता बहुत ज्यादा ताकतवर है।
आपको पता हॉल में बैठे होते थे और चाबी इनके पास होती थी अलमारी की। ये नहीं कि बंदा चाबी लेके अलमारी के पास जाए, अलमारी को चाबी के पास लेके आता था, ऐसे घुमाता था। कहते इससे ना एक्सरसाइज होती रहती है। इसी वजह से ना मैं ना इनको दूध लेने नहीं भेजती थी। क्यों? अरे जब भी दूध लेने जाते थैलियां फोड़ दी है। कितने का लगाया? हाँ, कितने का लगाया? कितने का लगाया बता दो। लेकिन प्यार बहुत करते हैं, पता मुझे आज तक भी ना पानी की लाइन में खड़े नहीं होने दिया इन्होंने। हाँ, सारी औरतें खड़ी रहती थी, मेरे लिए हैंडपंप उखाड़ लाए। वैसे एक बात बोलूं बेटा, तेरे पापा ने ना पाकिस्तान को अमेरिका बना दिया है। कैसे? अरे जब मेरे को पाकिस्तान लेने नहीं आए थे इन्होंने कितने हैंडपंप उखाड़े थे, अब सब लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं। यार आप अच्छी अच्छी बातें करो। अच्छी अच्छी रोमांस रोमांटिक थे ना? रोमांटिक ना होते तो तू कहाँ से, मैं उनसे पैदा करती थी। रोमांटिक थे तभी तो पैदा हुआ है पागल। और तुम्हें पता है गांव में जब भी कोई खड्डा करना होता था ना, कोई भी खड्डा करना हो गांव में या कुआं निकालना हो, इनको बुला लेते थे, इनका सिर्फ गाना चलाते थे, यारा ओ यारा करते आ। पांच छह कुएं एक साथ निकाल देते थे जी। आज ना सच में बहुत ज्यादा हो गया है, और आज तो तू बोल भी नहीं पाएगी कि तू किससे डरती है। बोल क्या नहीं पाऊंगी, मैं तो सबको बोलती हूँ मैं किसी के बाप से नहीं डरती। किनके सहारे बोलती हूँ? इनके सहारे। इनको थोड़ी कहूंगी बेटा, आपको कहती हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बेटा, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। जय कृष्ण। सकीना, सकीना बनी हुई है पाग। अबे तू सकीना नहीं, तू साकी नाका है पूरा। गदर में जो ट्रक था ना वो भी तेरे से छोटा था बेटा। सर मुझे पता है पंजाबी आदमी आपको लस्सी बहुत पसंद है। सर लस्सी आप दुकान से मंगा लेते, पूरी भैंस उठाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि पंजाब की मिट्टी ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर ये भी पंजाब होता है, कोई कोई मिट्टी बंजर होती है। खैर, करण और भारती के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। कृष्णा जी, भारती जब पंजाब की बात हो और ऊपर से लड़की ने पंजाबी सूट पहना हो जी जी, और सन्नी जी तो गिद्धा तो जरूर होना चाहिए ना। बारी पर सी खटन गया सी खटके ले आंदी रोटी, बारी पर सी खटन गया सी खटके ले आंदी रोटी, भंगड़ा था सजदा ते भंगड़ा था सजदा जे नचे भारती मोटी, भंगड़ा था सजदा जे नचे भारती मोटी। सनी सर, आपका मुक्का जो है वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, मतलब अगर किसी को पड़ता है तो आदमी सीधा चेंबूर से विरार तक पहुंच जाता है। सर यहाँ पे पीछे एक सैनिक आए हैं जो आपको चैलेंज देना चाहते हैं, काफी तगड़े हैं, आप देखेंगे उनको। आइए देखते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शकील और श्रुति का। बहुत ही बदतमीज लोग, खुदा की कसम हर आदमी कह रहा है तंदूर से रोटी निकाल के तो दे दो। अरे सनीबाजी कैसे हैं आप? बस सनीबाजी कल से मुझे इन्होंने डराया हुआ कि सनीबाजी को कुछ नहीं, मतलब गुस्से में आ जाते हैं वो तो। अच्छा आप सोचोगे ये ड्रेस क्यों सिलवाया,
क्योंकि आपका 2.5 किलो का मुक्का है, लोहे का ड्रेस है, मारो अब। सियाणा आदमी हो सर, ये ड्रेस ऐसे पहन के नहीं आकर फिर भी आपका दिल करे ना 2.5 किलो का मुक्का मारने का, तो हमारे पास एक औरत उसका मुंह 2.5 किलो का है, भारती। अच्छा सर एक बात बताए सर, ये पंप से आपको क्या दुश्मनी है? किसी ने बचपन में क्या नहाते हुए पंप बंद कर दिया था, क्या किया था? कोई तो आपका कपड़े उठा के ले गया था, साबुन लगा हुआ था आँख में, क्या मसला क्या था? मतलब पंप को देखकर गुस्सा क्यों चढ़ता है सर, मतलब समझ नहीं आया आज तक। हाँ जी कैसी हो? क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, देखो तो कौन आया है? कौन है? आई लव यू सनी पाजी। देखो कैसे बेवकूफ कह रही, आई लव यू सनी पाजी। सर आपने इज्जत ही इतनी बनाई है, मुंह से निकल ही जाता है पाजी। क्या शराफत वाले आदमी है खुदाई कसम, ये तो जब पैदा हुआ दाई ने आके धर्म जी से कहा मुबारक हो आप पाजी के बाप बन गए हैं। इनकी तारीफ की जा रही है, मैं तुझे हर महीने तनख्वाह देता हूँ, पैसे मेरे बारे में बोल। अब आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आप हैं ही इतने हैंडसम। कीड़े पड़ेंगे, झूठ बोल रही है सर। अरे वाकई बड़े हैंडसम हो अब। अच्छा? देखो बने महाराजा हो लेकिन लग रहे हो सिपाही है ना, और वो भी वो वाला सिपाही, वो डरपोक वाला जो जंग में पहुंचते अपने ऊपर खून लगा के लेट जाता है कि मैं मर गया हूं। पति की बदतमीजी करी पति से तुझे, अभी पति से बदतमीजी कर रही है मनु, बताओ मैंने शादी कर ली सर, शुक्र अदा करे, वरना ऐसी औरतें तो जुए में जीती जाती है सिर्फ। कितने बदतमीज हो तुम, वैसे यहाँ पर घायल वंस अगेन की पूरी कास्ट है, तुम अपनी अनाप शनाप बकते रहना। अब वैसे ऋषभ आपके जैसा ना मेरा एक कजिन है, एकदम हट्टा कट्टा। ओके हाँ क्या देखो माशाल्लाह कितना गोंगलू सा बच्चा है। देखो तो सही सारा ही पैदा हो गया। अगर थोड़ा थोड़ा करके होता ना 5-6 बहन भाई होते ये लोग। वैसे तुम तो बड़े पीछे ढींगे मारे थे ना, मैं सनी पाजी को जानता हूँ, उनको देखकर तो नहीं लगता कि वो तुम्हें जानते हैं। हाँ तो ठीक है मैं उनका फैन नहीं हूँ ना। अरे उनके सामने तो ऐसा मत बोलो। मैं सच बोलूंगा वो भाई, देखो आप बुरा नहीं माना सर, मैं हूँ धर्म जी का फैन, आप जलो, आप जलो सर। इनके वो मेरे जमाने के हीरो हैं, ये अभी नई जनरेशन के हीरो हैं, इनके मेरे बच्चे फैन हैं, मैं हूँ धर्म जी का फैन सर, क्या बात है। उनके डायलॉग नहीं बोलते थे? हाँ इनके डायलॉग तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, ओ भगवंत राय के कुत्ते नहीं, मैं ओ कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा ये बोलता हूँ। सर एक बात समझ नहीं आई, कोई भी जनरेशन हो ये कुत्तों से क्या दुश्मनी है? इनके इलाके के कुत्ते ना बिल्ली की आवाज निकाल के चल रहे होते हैं। सनी जी यहीं टहल रहे होंगे। ऐसा क्या है धर्म पाजी में जो सनी पाजी में नहीं है? धर्म जी क्या डांस करते हैं, पाँव मारते हैं, 2 मिनट बाद लगता है पेट्रोल निकल आएगा। दुबई के शेख आ गए थे, हमारे यहाँ ऑर्डर है 3-4 ले लो भाई, मार के निकाल दो तेल। तो सनी पाजी वैसे ही डांस करते हैं, गए थे डैडी को फॉलो करते हैं यार, ओ यार जिस लोकेशन में डांस होता है ना इनका, वहाँ कीड़े मकोड़े चींटियाँ आपस में बात करती, बहन घर से नहीं निकलना आज सनी का डांस है यहाँ। तुमने इनकी पहली फिल्म देखी है बेताब? क्या बात है, बेताब फिल्म में आपको देखकर ना मतलब तब से वो मेरे दिल में लॉन्च हो गए। जब तो 60 साल की थी ना। पता है उन्होंने गाना गाया था जब हम जवान होंगे, पता है इतने हीरो आए, जवान थे बूढ़े हो गए चले गए, ये अभी भी माशाल्लाह बच्चे के बच्चे हैं। क्या गाना था ना, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, और ये गाना अगर सुदेश पे हो गाना बदल जाएगा, जब हम बूढ़े होंगे कोने में पड़े होंगे, दवाइयों के पूड़े होंगे, डॉक्टर को याद करेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, ये सुदेश तेरे और मेरे दोनों के लिए था। सर ये आखिर में एक बात कहूँगा, सनी जी मैं अपने रोजी रोटी में खड़ा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ यहाँ पे, पैसे कमा रहा हूँ अपने लिए बच्चों के लिए, सच्ची बोलो मेरी बीवी आपकी बहुत भयंकर फैन है। मैंने कहा क्या पसंद है, बोला हीरो ऐसे होते हैं, मैंने कहा वेरी गुड, पति बोले तेरे जैसे। शकील भाई हमारे सैनिक कम सस्ते होटल के दरबान ज्यादा लग रहे हैं, और उनको टिप से ज्यादा गालियां मिलती हैं। ऐसे भी सैनिक होते हैं जिनके फोटो लगे होते हैं, माला चढ़ा होता है, नीचे लिखा होता है रामू काका सन 47 में बिला वजह मारे गए। वैसे शकील जी बड़े प्यारे लग रहे हो आप, शहजादा बने हो ना
ऐसे शहजादे होते पाजी कि जो सड़क से निकलते ना तो आंटियां आवाज देती, शहजादे कूड़ा इत्थों भी ले जा। ये देखो। बात सही कह रही है, जाहिर है ट्रक साथ में होगा तो कूड़ा तो उठाना ही पड़ेगा ना। श्रुति का अच्छा है अपना, घर से जब शूटिंग के लिए आती है जो पैसे मांगती बाद में उसकी चैन बना लेती। देखो सर, जो भी टेली बोली मिली बाद में उसका हार बना लिया, क्या बात। फिर कहती मैं पैसों में खेलती हूँ। तो ये जोरदार तालियां हो जाए शकील जी और श्रुति के लिए। सब कहते हैं कि वाकई आपका हाथ 2.5 किलो है, लेकिन हमें साबित करना कि वाकई आपका हाथ 2.5 किलो है। कृष्णा उसके लिए पंजा लड़ाएगी। देखा बंदा मेरी आंखों से पढ़ लेता है। हाँ बता, इसके साथ कोई आंख तो लड़ाएगा नहीं तो पंजा ही लड़ाएगा। ठीक है सर, हो जाए सर, हो जाए सर। हाँ जी तैयार है। हाँ जी चलिए। हेलो जी। हैंडसम लड़का बीच में और आसपास सारी हॉट लड़कियां। सर पोज पोज। क्या बात है सर, ये पता कैलेंडर का कौन सा महीना लग रहा था सर, जितना हम चिपकी हुई थी दिसंबर में, ठंड बड़ी होती ना दिसंबर का महीना लग रहा था। एक बार जोरदार तालियां सनी पाजी के लिए। खैर आपको मजा आ रहा है कि मैं बार बार टच कर रही हूँ। चलो मैं करती रहूंगी एंड तक, ठीक है। अब आपकी फिल्म की दोनों हीरोइन की बारी है, क्योंकि हीरो ने तो मजा ले लिया बैठ गए। चलो दोनों उधर बैठो और तुम इधर आ जाओ दोनों लड़कियां। इतने क्यूट बच्चे हैं, पता क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है आपने इन बच्चों से वादा किया हो तो मैं शूटिंग दिखा के लाऊं, है ना। लेकिन आपको पता है एक ऐसा पागल फैन है ना, वो गांव से सिर्फ आपको मिलने आया, उसको पता चला कि आप हमारे शो पे आए हो, वो आपसे मिलने आ रहा है, और उसकी इन्हीं हरकतों से ना उसकी बीवी बहुत परेशान है। तो बुला ले कृष्णा उनको। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुबीन और अनीता का। अरे बाप रे बाप, अरे अम्मा रे अम्मा। एक सेकंड, अपनी अम्मा को फोन करके बता दे। हेलो अम्मा। हाँ तू नहीं कहती थी कि जिस दिन सनी देओल को साक्षात देख लेगा उस दिन मूछे मुंडवा देना, आज वो दिन आ गया है, अब अपनी मूछे मुंडवा ले। अजी सुनते हो, पंद्रह साल हो गए शादी को, इसको अभी तक नहीं पता, मैं सुन भी लेता हूँ। मैं सुन लेता हूँ, सनी जी बहुत परेशान हूँ मैं अपनी बीवी से, बहुत ज्यादा 300 की भीड़ में ढूंढ के मेरे को निकाल लेती फिर मारती है। इसीलिए इसका नाम रखा है घातक, घातक शर्मा। मुंबई के सारे गटरों में ढूंढा है तुम्हें, यहाँ पर बड़े हुए हो। सनी जी, आपसे मिलने के लिए मैं कितनी बेताब थी, मुझे ना अपने प्यार का इजहार करने की थोड़ी थोड़ी हिम्मत आई है, पर थोड़ा थोड़ा डर भी है, लेकिन मैं जानती हूँ डर के आगे जीत है। मैं ना आपको पाने के लिए किसी भी बॉर्डर को पार कर सकती हूँ, भले ही क्यों ना गदर मच जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं बड़ी जिद्दी हूँ, मैंने ना अर्जुन पंडित का भी इंतजाम किया है, बस फेरे लेंगे फिर छोटे छोटे यमला पगला दीवाना। सानी जी हम ना उन्हें प्यार से त्रिदेव बुलाएंगे, ठीक है ना। क्या बात है, मेरी हम्बल पार्टनर ने आज एक भी फंबल नहीं मारा, जोरदार तालियां हो जाए। चुप कर, तू भी यहाँ बस मिमिक्री के वजह से टिका हुआ है। हाँ तो टिका हुआ हूँ मिमिक्री वजह से, और मिमिक्री भी सुपरस्टार लोगों की होती है, कोई मामूली लोगों की नहीं होती है, जिनकी अलग अंदाज होता है, पहचान होती है, उनकी मिमिक्री होती है। सनी पाजी की मिमिक्री कर करके ना जाने कितने लोगों के घर चल रहे हैं। कितनों के आड़ में ना
छुपा रहा है। इसका घर भी ना इसी वजह से चलता है। हाँ, और मेरे एक्ट में खड़े रहकर तेरा भी चली जा रहा है। बकवास बनकर, ये ना बड़ा ढीट है सनी जी। इसने पता है मुझे कैसे प्रपोज किया था? फोन पे आपकी आवाज निकाली थी। मैंने तो सोचा कि वाह, मेरी जिंदगी बन गई। 2.5 किलो का हाथ मेरे गले में मंगलसूत्र डालेगा। लेकिन निकला कौन? ये 250 ग्राम का चूहा। रखूंगा, मैंने रखा भी सर। जैसे मेरी शादी हुई ना स्वागत के लिए, मैं कोर्ट के पीछे वाला गार्डन में गया था। लेकिन क्या फिल्म थी दामिनी। ओहो, क्या डायलॉग था सर। ओ चटा, मतलब वो डायलॉग ने मेरी जिंदगी पे ऐसा असर किया ना, मैं आज जहां भी चड्डा देखता हूँ फाड़ देता हूँ। मोहल्ले के लोगों ने बाहर चड्डा सुखाना बंद कर दिया। साथ से मेरा पूरा गाँव बिना चड्डा के घूम रहा है। मेरे ख्याल है आपको बात पता चल गई, इसलिए आपने एड बनाया ना। अपना अलग पहन के चलो। अच्छा ये सब छोड़ो, बच्चों का बताओ ना। हाँ बच्चे, जाहिर सी बात है मैं इतना बड़ा फैन हूँ इनका, तो मेरे बच्चे भी आप पर गए। अरे आपके बहुत बड़े फैन, मैं आपकी फिल्मों पे उनके नाम रखे हुए हैं। बच्चों को बुलाता हूँ। बच्चों ये देखिए, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने। ये छोटा वाला, ये ना पैदा होते ही बिस्तर से गिर गया था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया घायल। ये वाला जो है, ये तो पैदा ही नहीं हो रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया जिद्दी। और ये वाला बहुत खतरनाक है, ये पैदा होते इसने ना नलका उखाड़ लिया घर का, इसीलिए इसका नाम है गदर। लेकिन ये बेचारा बड़ा शरीफ है, बहुत सीधा साधा। पता है शादी के मंत्र चल रहे थे तभी पैदा हुआ, इसका नाम रखा अर्जुन पंडित। चलो बच्चों, अब तुम लोग जाओ, जाके बॉर्डर देखो। चलो चलो चलो। भूमिन और अनीता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट भारती, मतलब सनी सर आए, पूरी टीम आई है यहाँ पर, हमको चाय कॉफी पूछना चाहिए। अरे चाय कॉफी क्यों? इंग्लैंड से थोड़ी आए, पंजाबी लोग हैं, सीधा लस्सी पी जाएंगे। पाजी लस्सी पियोगे? गला खराब है लेकिन पी लेने। कृष्णा अगर सनी देओल ने कहा है कि लस्सी पीऊंगा तो फिर कंपटीशन होना चाहिए लस्सी पीने का। जोरदार तालियां भारती सिंह के लिए। अरे लस्सी लेकर आओ। सर देखा है मूछो वाला सौरभ शुक्ला। मूछो वाला सौरभ शुक्ला सर। शेव कर लेते। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। सनी सर, आपने फिल्मों में बहुत सारे जेलर देखे होंगे, लेकिन अब जो जेलर यहाँ पे आने वाला है, इतना खूबसूरत जेलर आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा, क्यों भारती? ऐसे अगर जेलर हो तो लोग खुद कत्ल करके जाएं जेल में। कि हमें जेल में ही रहना है। और सर बदसूरत आपने वो कैदी होते हैं वो भी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इतना बदसूरत कैदी वो भी कभी नहीं देखा होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नसीम और पूजा का। हेलो पाजी, की हाल है? वधिया वधिया। एक मैं फोन कर लूँ पाजी, बाद चुता अड़ना गल कर दा। हेलो जेलर साहब, ये क्या तरीका है पे? मुझे आज फांसी है, आप में से कोई यहाँ पहुँचा ही नहीं है। नहीं, मैं आपके बाप का नौकर हूँ, खुद फांसी लेने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। यार जल्दी पहुँचो, ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल लोग हो आप लोग तो यार। इसलिए आप लोगों की जेलें हिट नहीं होती, कोई शरीफ आदमी आना नहीं चाहता वहाँ पर। आप जल्दी पहुँचो। ये तो हाल है पाजी, देखो अभी तक वही नहीं पहुँचे जिन्होंने फांसी देनी है। और मुझे ऊपर जाके बड़े काम है, मेरे घर वालों ने देखो मेरे ताया जी के लिए अचार भेजा है, दादाजी के लिए देसी घी भेजा है, वो उधर नर्क में बैठ के मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे पाजी आपकी वजह से ना मेरी 3 बार जो है ना वो फांसी कैंसिल हुई है। मुझे जब भी पूछते ना तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या, मैं कहना पहली बार तो मैंने कह दिया, मैंने कहा जी मैंने उस हैंडपम्प का पानी पीना जो सनी पाजी ने उखाड़ा था। अब वो पंप जो आपने उखाड़ा हो किसी का बाप नहीं दोबारा उखाड़ सकता। लेके आएंगे पानी और कहां से देके फांसी है? फिर दूसरी बार मेरी बारी है, मैं कहा मैंने सनी पाजी से डांस सीखना है। Oh my God! मैं आपसे 1 मिनट बाद बात करती हूँ। नसीम के बच्चे, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ में ले जाना ऑटो में। साथ में ले जाना ऑटो में, क्यों अकेला क्यों चलाया तो? मैं को घायल बन सके इनका शो देखने के लिए जाना, जो तुझे भी साथ लेके जाता। फांसी के लिए आए, रस्सा भी अपना लेकर आए हुए देखो मैं।
यानी पाजी हम कैदी जितना काम करते हैं शाम को जितना पैसा कमाते हैं ना ये डांस करके सारा ले जाती है। आवाज बंद करते रहे ना, मुंह पे भी जंजीरें लगवा दूंगी मैं आप। हाँ जंजीरें ही इसलिए नहीं बांध रही कि मैं भाग जाता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। बचाए ना इससे, प्लीज बचाए ना। क्यों बचाएंगे, वो कौन लगते तेरे? हाँ तो चैनल वाले तेरे क्या लगते हैं, वो तुम्हें क्यों बचाते हैं? हे भगवान, मुझसे ये हैंडल होगा नहीं, मैं तेरी अभी शिकायत लगाती हूँ, प्लीज आप ही इसे हैंडल करो, मुझसे तो नहीं होगा। वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ, मैं तो इतना सख्त फैन हूँ, मुझे तो उनके बारे में सारा पता है। मुझे ये भी पता है कि उनकी कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई थी। क्या पता है तुझे? पता जब उनकी पहले फिल्म घायल आई, आमिर खान की फिल्म आई थी दिल, घायल ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया, फिर उसके बाद इनकी गदर आई, उनकी आई लगान, फिर गदर ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया। अब मैंने जाके आमिर भाई से पूछा, मैंने कहा आमिर भाई अब भी आपकी फिल्म आ रही, अब क्या ख्याल है? कहते रहे नहीं भाई अब नहीं, अब तो अगले साल ही रिलीज करूंगा इनके साथ में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उसने कहा, कहते हैं कि देखो मेरी फिल्म में सारी कुश्ती है और सारे पहलवान उनके फैन है। अब तो लगता है ना कि तेरी बिना इच्छा पूरी हुई तू मर जाएगा, क्योंकि तूने बहुत बकवास कर ली, अब मैं सीधा फांसी लगाऊंगी तुझे। अच्छा फांसी लगानी है? हाँ। बस ठीक है, फिर मेरी आखिरी इच्छा और सीधी सीधी इच्छा वो पूरी कर दो। आखिरी है? हाँ। फाइनल वाली। ठीक है बोल। मेरी आखिरी इच्छा है कि सनी पाजी के मैं गले लगूं, बस मुझे गले लगा लें, उसके बाद मैं खुशी से मर जाऊंगा। तू सचमुच चोर है, तूने मेरा आइडिया चुरा लिया ना, ये मेरी इच्छा है। वो शरीफ हीरो है, सनी देओल साहब है, इमरान हाशमी नहीं है। हाँ। फिर तेरी फांसी माफ कर। नहीं ये काम करते हैं, मैं उनको गले लगा लेता हूँ, तू मुझे लगा लेना। मैं उससे अच्छा फांसी लगा लूँ। तेरी बहन की टांग। सर आपने कैसे उसको चप्पी डाली? हाँ 15 साल मैंने जीते के साथ वेट किया आपका, मेरी संदूर चूड़ियां लाओ तोड़ दो। क्यों किया सर आपने ऐसा? इसको भी गले लगाओ। नहीं नहीं हम तो लग चुके बहुत बार, जीतता ऐसे थोड़ी आया। हाय बाजी कैसे? आज अच्छे लग रहे हो बता? आज मैंने तेरी ज्वेलरी पहनी है ना। सनी जी आपको पता कितने भोले हैं नसीम भाई, जिस होटल में रह रहे हैं ना वेटर को बुला के लाए और बाथरूम का दरवाजा खोला, कहते ये क्या है? कहते सर ये कमोड है। कहते पहले नहीं बता सकता था मैं इसमें आम ठंडे कर करके खा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां नसीम और पूजा के लिए। सनी जी अब हमारी छोटी छोटी बच्चियों को रेस्ट देते हैं और पंजाब का शेर कल्ला ही बैठेगा हम पे, तो जोरदार तालियां सनी पाजी के लिए। बहुत अच्छे लग रहे हो, बस कमी है कि कोई गुलाबी सूट वाली आपके साथ बैठ जाए। नहीं मैं कह रही हूँ कि अब बैठना ही पड़ेगा। हाँ जी। हाय ऐसे लग रहा है कि सनी देओल की रिसेप्शन पे आए सारे। ऐसा लग रहा है सर मेरे साथ बैठ के आज आपको? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली एक साइड कर लो तो बुरा मान जाता है। इधर भी कर दो सर, कैसा लग रहा है? ए आला। ए तो ज्यादा ही नहीं जोर से कहता सर आपने। वैसे सर मुझे पता क्या लग रहा है? हाँ। कि ऐसे दीदी जीजू बैठते हैं, सब लोग शगुन का लिफाफा देने आएंगे। ऐसे लग रहे हैं ना, तो एक बार हमारी जोड़ी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। लेकिन सनी जी आपने दामनी पिक्चर की है, आपने दामनी को इंसाफ भी दिलाया था, चड्डा तू झटक ना भूल जाएगा ये सब किया था ना, हमारे पास भी दामनी है, हमारे पास भी चड्डा है और हमारे पास भी सनी देओल है, लेकिन ये कुछ अलग ही तरीके के हैं, वही बताने आ रहे हैं आपको कृष्णा सुदेश और सनी बाजी, हमारे शो की सबसे हॉट एंड खूबसूरत लड़की अदा। घायल वंस अगेन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर सनी सर हम दिल से कहते हैं आपको वी लव यू सर, बहुत बड़े फैन हैं, एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम। खैर बाबा सनी सर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भैया, क्योंकि जो आदमी हैंड पंप ऐसे उखाड़ लेता है वो गर्दन तो कैसे पकड़ेगा। इनका मारने का स्टाइल कमाल का है, लोग ऐसे चमाट मारते हैं ये मुंह चमाट पे मारते हैं। खैर लेकिन फिर से जोरदार तालियां मेरे लिए, क्योंकि भैया हिम्मत चाहिए इनके सामने ऐसे बोलने की। भैया दो चीज के लिए सनी सर बहुत फेमस है, एक तो अखाड़ा दूसरा उखाड़ा। क्योंकि जिम में होते एक दिन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे
तो इनके डैड आ गए धर्म जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। तो धर्म जी कहने लगे, बेटा बहुत हो गया, अभी तू थक गया होगा। कहते नहीं, अभी सिर्फ मुझे 4 घंटे हुए हैं। तो डैडी ने बोला, मैं तेरे को नहीं, मैं डंबल को कह रहा हूँ, बहुत थक गया होगा। इतनी एक्सरसाइज करते। लेकिन सनी सर ऐसे हीरो हैं, किसी के सामने कभी भी नहीं झुकते। किसी ने कहा भैंस का दूध निकालो, झुकेंगे नहीं। इन्होंने भैंस उलट दी, ऐसे दूध निकालो। पहली बार किसी ने गांव में मिल्क फाउंटेन देखा था भैया। खैर सर जी, मैं यहां पर कोर्ट का केस लड़ने के लिए आया हूं, और वो भी दामिनी का। खैर भैया, दामिनी को यहां पर बुलवाते हैं, कैरेक्टर में भी मैं आ जाता हूं। ओए! सबसे पहले यहां पर मैं दामिनी को बुलाना चाहूंगा। बस बहुत हो गया, चल। सॉरी सर, हमने इसको दामिनी बनाया है। मुझे मालूम है आपको अंदर से गुस्सा आ रहा होगा। ये दामिनी, दा निकाल दो, मिनी है सिर्फ, मिनी। खैर दामिनी, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, तुम क्या कहना चाहोगी? मुझ तुख्यारी की बस यही है अपील, कि हर केस में हो ऐसा ही वकील। यार ये इतना बड़ा हिट शो कैसे चला रही है यार? तो ऐसे डायलॉग है, फिर भी सर हिंदुस्तान का नंबर वन शो है इनका। उसमें ये सरडा का रोल कर, नहीं नहीं नागिन का रोल। हाँ नहीं नहीं, मैंने तो शक्ल देख के बोल रहा हूँ ना, सरडा गेंडुल। अब आपकी क्या करूँ तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ मिल रही है। जब से कॉमेडी नाइट बचाओ शुरू हुआ है, लोग तारीफ ही के जा रहे हैं। क्या शो बनाया कृष्णा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी जब बात आती है तो लोग कहते हैं तारीफ पे तारीफ, और जहां सुदेश की बात आती है लोग कहते हैं माय फुट माय फुट माय फुट। खैर मैं अपने ऑपोजिशन पार्टी यानी चड्डा साहब को यहां पर बुलाना चाहूंगा, और ये चड्डा साहब जो है हमेशा मेरी बेताब फिल्म देखते रहते हैं। पता नहीं कहां पर है चड्डा। चड्डा साहब आइए। बलवंत राय से घायल हूँ मैं, घायल हूँ कात्या से ज्यादा घातक हूँ मैं, घातक हूँ मैं, घातक हूँ। पापा से प्रभावित हूँ मैं, 2.5 किलो का हाथ दिखा के छा गया। पंप उखाड़ने वाला सनी आ गया, पंप उखाड़ने वाला सनी आ गया। एक मिनट, ये मेरा स्टेप क्यों कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं स्टेप नहीं कर रहा, मैं पैदल आया हूँ, धूल चिपकी है, थोड़ा झाड़ लूं जो। और आप लोग समझते नहीं हो, मजा आ गया आज आप आए हो, सबसे ज्यादा फायदा मेरे को ना, मेरा टैक्सी का किराया बच गया घर तक। क्यों तुम इनसे लिफ्ट लोगे जाते समय? नहीं नहीं, इनकी फिल्में नहीं देखी? मुक्का मारते हैं बंदा कितनी दूर जाके गिरता है, मैंने तो मलाड तक जाना, थप्पड़ भी मारेंगे पहुंच जाना है। बकवास बंद करो, देख नहीं रहे, मेरा लोहे का हाथ है। अच्छा ये लोहे तो आपका अपना किधर है सर? बकवास बंद करो, ये बताओ कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं चड्डा। तुम चड्डा हो ही नहीं सकते। अरे ये देखो मलाड, बहुत बड़ी साजिश है ये। ये देखो। नहीं? बिल्कुल नहीं यार, इतना गंदा मुंह कैसे बनाऊं? अरे भाई मैं चड्डा हूँ, चड्डा। नहीं नहीं मैं नहीं मानता कि ये चड्डा है। यार ये बंदा कैसे मानेगा? कोई बात नहीं, मैंने पक्का सबूत रखा, ऐसे कोई नहीं मानता। ये क्या? ये देखो चड्डा, ये मेरी पहचान है। बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी। ये क्या, मैं बुजुर्ग बंदा हूँ, ओए ओए करके बात कर रहे हो? बेटा देखो तरक्की करनी है तो ओए ओए मत करो। चड्डा साहब अदालत में आप आए हो, मजाक बंद करो और केस पे आओ। ओके हट जाओ पीछे, कटहरे के सामने मेरा थोड़ा पोज बनाओ। कमी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये बहुत ही गलत लड़की है, इसके 4-4 बॉयफ्रेंड है, ये शराब पीती है, दारू पीती है और भी बहुत कुछ पीती है। एक मिनट, कल तो इसने हद कर दी, वैनिटी वैन में मैंने कृष्णा के साथ इसको 1 घंटा देखा। एक मिनट, बहुत गलत साजिश है ये, दामिनी के खिलाफ ये गलत साजिश है। अच्छा ये दामिनी बनी हुई, मैंने तो अदा को बोला। बहुत
बर्बाद हो गया तुम्हारा चड्डा। तुम भी मेरे साथ गलत कर रहे हो। मैं देख लूंगा तुझे, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा देख लूंगा, मेरा हाथ पकड़ना केस यहीं पे खत्म हो जाएगा चड्डा। जज साहब मैं आपको यही बात बोलने नहीं देता, मैं घुटाने बोलने नहीं देता, तो अपना मैं ये कैसे केस लड़ेगा यार। अच्छा बोलो। जज साहब मैं आपको जज साहब बोला मैंने अभी जज साहब मुझे दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए ये केस की तारीख का 25 साल आगे कर दो। 25 साल बाद तेरे पोतों के साथ लड़ूंगा मैं। बकवास किया जा रहा है, गलत गलत इल्जाम डाला है दामिनी के ऊपर। लोग कहते हैं दामिनी पागल है, अरे काहे की पागल, ये शाम को अपने घर जाती है, आराम से मिट्टी खा के सो जाती है, क्या पागल है ये। एक बात बताऊं आपको, चलो ठीक है ये पागल नहीं है, ये लड़की गलत है और मैं भरी अदालत में साबित कर सकता हूँ। नहीं मैं गलत नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं गलत। एक मिनट, तू गलत है, बीच वाले कैमरे में देख के बोल, इतना भी नहीं आता, इतना बड़ा हिट शो कर रही है। बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी चड्डा, अब निकलो यहाँ से तुम। जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, अगर मैं सनी साहब का फैन नहीं होता तो बता देता मैं तेरे को। अरे तुम फैन हो ही नहीं, झूठ बोलते हो तुम। मैं फैन नहीं हूँ, मैं फैन नहीं तो कोई फैन नहीं है। अगर ये साबित करने की बात आती है तो मैं अब जो भी बात करूंगा इनके गानों पे करूंगा। गानों पे? हाँ। What do you mean? What do you mean? मुन कुछ नहीं, इधर आ जा। What do you mean? And जमीन पीछे हट जा मेरे को। हाँ हाँ, तो दामनी तुम बताओ, होली वाले दिन जब वो काट हुआ तो तुम कहाँ थी? वो मैं नहीं बता सकती। अरे जब हमने पूछा है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं बताया तो लपक लपक के मैं थप्पड़ मार देना तेरे, फिर तू गिर जाएगी। बताना डर क्यों ऐसा लगता है, बता। वो मैं होली खेल रही थी, उर्मी अपने कमरे में थी और वो लड़के अंदर आ गए। ऐसे कोई नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ योनर, तुमने दी आवाज होगी तभी वो आए होंगे। मैं समझता हूँ ये लड़की वहां थी क्योंकि मैं जानता हूँ पर्वतों के पीछे छुप के तू ये नजारा देख रही थी। हमारे पास सबूत है, तेरी तस्वीर मिल गई वहां से, हमारे पास सबूत है। अब क्या करोगे? बकवास बंद करो, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच लोखंड पावा। एक मिनट एक मिनट, अरे 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 यारा, ओ यारा मिलना दोबारा। सनी पाजी प्लीज, आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना, छोड़ दीजिए। मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे सड़क पे, दिल छोड़ आया। प्लीज मान जाइए ना। मैं तो मान जाऊंगा लेकिन पल पल ना माने टिंकू जिया। सोच रहा भी उठेगा नहीं, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अभी उठ जाओ। थैंक यू सन्नी जी, कैसे लगी हमारी दामनी की ये अदालत? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप कैसे लगे अपने आप को? हमारे मुबीन जी ने भी देखी आपकी डबिंग की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि सर आज पहली बार आपकी डबिंग कृष्णा करेगा, वो भी लाइव। जोरदार तालियां सनी जोर के लिए। रेडी सर, एक्शन। ओए उठा के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू रास्कल। माय फुट। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखाओ अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोप इन्हीं के हाथों को लग सकते हैं तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। Thank you.
असली सनी देओल हो और कोई डबिंग करे ना जी ना। नहीं नहीं सर, सर मैं चाहती हूँ कि प्लीज मैं आपके मुंह से ये असली वाला डायलॉग सुनी। मैं मनाना करना था। सर देखो आपने कहा था कि पूजा जफी पानी आप आओ दवाई तो है ना सर, प्लीज प्लीज सर। अरे गला क्या हुआ है सर, जितना है उतने गले में सुना दीजिए सर। एक्शन, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। यू रास्कल, यू रास्कल, इन्हीं के हाथों को बांध सकती है हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। क्या बात है सर, अगर गला बैठा हुआ तो ऐसी आवाज है, कहीं गला खुला होता तो इधर तो पेंटे फट जाती सबकी। क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां सनी बाजी के लिए सर प्लीज। मेरा बड़ा दिल उदास हो रहा है सर, क्योंकि सारे एक्ट खत्म हो गए ना, अभी आपके जाने का वक्त हो गया है, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आपको अपनी फिल्म के बारे में पूरा बताना पड़ेगा सर, भज के आ जाओ। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? घायल मेरी पहली भी थी, वॉज अबाउट यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स, ये फिल्म भी वैसे ही है, मैं भी थोड़ा सा यंगस्टर ही हूँ। जी जी बिल्कुल सर। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा एंड आई लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट। बलवंत राय की ऑडियंस, मजा आया आप लोगों को? चलिए इसी मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार ओनली ऑन कॉमेडी नाइट बच्चा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।